नजीर शेख, आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। आखिर कौन सुनेगा असहाय विधवा की पुकार। प्रयागराज बहरिया थाना अंतर्गत चित्रहा गांव के एक असहाय गरीब विधवा महिला दबंगों के आतंक से न्याय के लिए दर दर भटक रही है। न्यायालय द्वारा पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला होने के बावजूद भी अपनी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रही है। पीड़ित महिला को दबंगों द्वारा आए दिन मारते पीटते रहते हैं। फूलपुर तहसील के थाना बहरिया के चित्रहा गाँव की विधवा महिला अनारकली पत्नी स्वर्गीय पारस नाथ के गाँव की पुश्तैनी जमीन पर पड़ोस के साथ लोगों की नजर गड़ी है। महिला की पुश्तैनी मकान आबादी की जमीन आदि पर दबंगों की कुदृष्टि है। महिला द्वारा जब भी जमीन पर निर्माण करना चाहती है, लामबंद दबंगों द्वारा पीड़ित महिला को आए दिन परेशान कर उसकी पिटाई करते रहते हैं। पीड़ित महिला ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। पक्ष में फैसला होने के बावजूद भी पीड़ित महिला अपनी जमीन पर कब्जा नहीं कर पा रही है। दबंगों के खिलाफ महिला जब भी थाने पर शिकायत लेकर जाती है, आरोप है कि पुलिस उसकी तहरीर तक नहीं लेती, जिससे मनबढ़ दबंगों द्वारा पीड़ित महिला को आए दिन मारने पीटने के अलावा भद्दी भद्दी गाली और जान मारने की धमकी दे रहे हैं। आखिर इस गरीब असहाय विधवा महिला को कौन न्याय देगा। वहीं विपक्षी महिला को रास्ते से हटाने की आए दिन धमकी दे रहे हैं। प्रयागराज से संवाददाता ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आपका नाम? अनारकली। आपके पति का नाम? स्वर्गीय पारस। आपका क्या मामला है? हमारा मामला है भूमधारी से लेके जमीन, मेरा घर, हमारा वहाँ जमीन है और गांव में, और हमारा पट्टीदार बनाने नहीं देते हैं। आगे महिलाओं को करके मारपीट करते हैं। संदीप और असर की लाल जय प्रकाश। और जैसे क्या आपके भूमधारी में जो न्यायालय में चल रहा था, क्या मुकदमा फाइनल हो गया है? हाँ, मुकदमा फाइनल हो गया है, लेकिन आपको कब्जा नहीं दिलाया गया? नहीं, कब्जा नहीं मिल रहा है। और जो आपका पुश्तैनी मकान है, वो कब्जा कौन कौन कर रहा है? संदीप और जय प्रकाश और सरफी लाल। क्या उनका बहुत बड़ा परिवार? हाँ, है बहुत बड़ा परिवार है। और उनका आगे महिलाओं का कह के मारपीट करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या संदीप सरकारी जमीन भी कब्जा किए हैं? सरकारी जमीन भी कब्जा किए हैं। थाना बहरिया, तहसील फूलपुर, जिला प्रयागराज।